क्या आप लोग भी बालों में इचिंग कर करके डैंड्रफ से आ गए हैं तंग और आप लोगों के बाल इतने गिरते हैं? डोंट वरी, यू हैव फरीहा टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरीहा एंड वेलकम टू माय विलॉग। सब्सक्राइब एंड शेयर जी। तो चलो ये जो फैला हुआ है इसको चुटकी बजा के सही कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ भाई के साथ बैठ के मैंने बना ली थी चाय। भाई से भी पूछा मैंने कि तुम पियोगे, तो उसने बोला नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर टी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी ही चाय बना लेती हूँ, हु केयर। फिर मैंने जॉब पे जाने के लिए अपना बैग बना लिया था, जो जो चीज़ें मुझे दरकार और ज़रूरत की थी वो मैंने बैग में रख दी थी। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जो लोग कहते हैं ना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी या रहूँगा, और वही सबसे पहले कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे बगैर रहने की आदत हो चुकी है। तो बस इसी के साथ हमने चाय बना ली थी। भाई की आ गई थी आवाज़ कि इधर आओ बेटा, आपकी चाय बन गई है, कहाँ गुम हो। तो मैंने फिर चाय कप में डाल के नाश्ता कर लिया था। भाई मेरे लिए लाया था पराठा, क्योंकि गैस तो घर पे थी नहीं और चूल्हा मैंने बस चाय के लिए ऑन किया। मैंने कहा चलो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो गई है। यूट्यूब का चाय मांगा, फिर से यूट्यूब का वही मैसेज आ गया था जो इतने दिनों से आ रहा है। तो मैंने बाबर से कॉल की और बात की। बाबर ने कहा आ जाओ, मैं तुम्हें सही करके दे देता हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बाबर के घर और उसको दिखाऊंगी चैनल, वो सही करके देगा मुझे। वापिस आ गए हैं बाबर के घर से और अभी तक यूट्यूब का एक मैसेज नहीं आया जो आना था। 24 घंटे बाद आएगा, फिर जाके हम अप्लाई करेंगे। तो बाबर ने कहा था 24 आवर्स के बाद आएगा। तो मैं भाई के पास है, शायद मोबाइल का मसला है, तो इसलिए भाई जो है वो लैपटॉप पे कर रहा है। बाबर ने बता दिया था कि फ़राज़ को बता देना ऐसे ऐसे करना है। तो ये है, अगर आप लोगों का भी एडसेंस का मसला आ रहा है तो उसमें आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है। कोई भी पुराना अकाउंट यूज़ नहीं कीजिएगा, नया अकाउंट आप लोगों ने बनाना है तो एडसेंस आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। जो उस पर एक ऑप्शन आता है दूसरा क्रिएट या चेंज एसोसिएशन, उस पर जाके आपने बोलना है नो आई डोंट हैव वांट टू क्रिएट वन को क्लिक करना है। उसके बाद आपने नया अकाउंट बनाना है, फिर आपने वो स्टेप टू जो है अप्लाई कर देना। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं मैजिकल ऑयल की। ऑयल तो सब घर में लगाते हैं, लेकिन अगर उसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दें तो हमारा ऑयल इतना मैजिकल हो जाएगा कि उसके बाद हमें किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं। मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। कलवंजी भी आपके बालों को काला करती है, ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। और अल्लाह पाक ने वैसे ही कहा है कलवंजी में हर बीमारी का इलाज है। उसके बाद कैस्टर ऑयल आपके बालों को मोटा करता है, कंडीशनर करता है, घना करता है। और इसके बाद मैंने यूज़ करनी थी इवियो की विटामिन ई टैबलेट्स। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से दस्तियाब होंगी। इवियन ब्रांड ना हो तो कोई भी ब्रांड आप ले सकते हो। और इवियन विटामिन ई 200 mg। उसके बाद इस तरह की बॉटल, ये मैं लॉरियल का कलर किया था तो ये उसकी बॉटल है, तो इसमें मैं ऑयल अच्छे से बना लूँगी। आप कोई भी घर में बॉटल ले लें जिसका जो है वो हेड इस तरह से हो। उसके बाद मैं पहले डालूँगी कलवंजी ऑयल, फिर इतना डाला है देख लें आप लोग। फिर मैंने जो है कैस्टर ऑयल के सिर्फ 2 ड्रॉप्स इनफ होती हैं, नहीं तो ये बालों में से नहीं निकलता। मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाल दिए थे और ये बन गया आपका ऑयल। इसे अच्छे से कर लें शेक। इसके बाद मैं आप लोगों से अपनी कहानी शेयर करती हूँ कि मैं बालों को खुजा खुजा के थक गई थी, डैंड्रफ ख़त्म नहीं हो रही थी और बाल इतने गिर रहे थे, इतने गिर रहे थे। नज़र तो चलो है लेकिन बाल बढ़ भी नहीं रहते। तो इसलिए ये ऑयल मैंने जब से बनाया है मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है और कलवंजी से मेरे बाल इतने काले हो गए हैं। कलवंजी से याद आया कि मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी रेमेडी ला रही हूँ, इतनी अच्छी रेमेडी ला रही हूँ कि आप लोग बस खुश हो जाएंगे कि फरिया क्या रेमेडी बताई है। बस आप लोग थोड़ा सा वेट करें। मैं अपने बैक हेड पे भी लगा लिया था और हम अपने बालों के नीचे वाले हिस्से पे जो है वो कोकोनट ऑयल लगाएंगे। काफ़ी लोगों के कोकोनट ऑयल लगाने से डैंड्रफ ज़्यादा होती है तो हम सर पे नहीं लगाएंगे, एंड्स पे लगाएंगे। इतना सा लिया और इसे अच्छे से रब करके अपने एंड्स पे लगा लेंगे, दैट इज ताकि अब नीचे वाले बाल सिल्की शाइनी हो जाएं। जूड़ा बना लेंगे, घर का काम कर लेंगे। 2 घंटे बाद हेयर वॉश करने के बाद कुछ इस तरह से होंगे, शाइनी स्ट्रेट, और स्ट्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। काले सियाह लंबे बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे आप लोगों के। ये आप लोग ऑयल वीक में 3 दफ़ा लगाएं। तो आप लोग मेरी रेमेडीज़ ट्राई किया करें, फ़र्क आप ये देखें। मैं आप लोगों को अपनी डैंड्रफ दिखा रही थी कि देखें डैंड्रफ कितनी ख़त्म हो चुकी है, डैंड्रफ बालों में है ही नहीं। मेरे बालों के लंबे होने का राज यही है कि मैं अपने बालों की टेक केयर बहुत अच्छे से करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज़ और वीडियो पसंद आती है कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर टू माई चैनल। तो मैंने नमाज का वजू कर लिया था
और फ्रेश भी हो गई थी। अभी जाऊंगी, वैन भी आ गई है कारफोर, वहाँ पढ़ूंगी नमाज और फिर जो रेडी होना होगा वहाँ जाके हो जाऊंगी। मुझे ORS दे दें, 3 दे दें। यहाँ मैंने आप सबके लिए, अपने लिए, अपने YouTube के चैनल मोनेटाइज होने के लिए, सब के लिए, ऑल ओवर जितने भी लोग हैं उन सब के लिए दुआ की थी कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनके माँ बाप का सायन पे हमेशा कायम रखे। तो मैं हो गई, ये मैं और नैना जब कल गए थे तो ये मैं लाई थी फातिमा के लिए, मोबाइल के पीछे जो लगता है अभी फातिमा आएगी तो मैं उसको दूंगी। वह जो मैंने ORS लिया था अपने पानी में मिला लिया था। ORS में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, जब हमारा पेट ख़राब होता है तो डॉक्टर हमें ORS क्यों रेकमेंड करता है, ताकि आपके विटामिन्स की मिकदार जल्दी से आपकी बॉडी में भर जाए, इसलिए मैंने ORS था। तो आज सबा बना के लाई है मेरे लिए यम्मी यम्मी सा साग और हमने ली है जलेबी और साथ में चपाती। तो मैं, वैन ने मुझे पिक कर लिया था और मैं आ गई हूँ घर। तो अभी मैं सेंड कर रही हूँ सेल कंपनी में, आज इतनी सेल तो नहीं हुई लेकिन चलें इन सबको टोटल करके सेंड करते हैं। तो अभी मैंने सारे के सारे कपड़े वॉश किए हैं जितने भी थे। तो ये जो मैं लाई थी ट्यूसडे वाले दिन शर्ट्स, और वो मैंने पहना था ट्यूसडे को, और अबाया वगैरह धो लिया था, कल आइसक्रीम खाई थी जिसको लग गई थी। सुबह के लिए मैं भी कपड़े प्रेस कर रही हूँ, फिर सुबह मैं आती हूँ एडिटिंग में लग जाती हूँ, टाइम नहीं मिलता। और नैना AC लगवा रही है घर में, तो इसलिए मैंने कपड़े धो लिए, कपड़े प्रेस कर रही हूँ ताकि फिर थोड़ी आसानी हो जाए सुबह। भूत बनी हुई हूँ मैं, फ्रेश भी हो गई हूँ। और अभी अबू पढ़ रहे हैं कुरान पाक। तो अभी आ गई है नैना और मैं भूत बन के नैना के पास जा रही हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं टेक्सास चिकन, और ये देखिए कितना प्यारा बना रहे हैं। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। एक और बात, आज ये मेहमान आ गए हैं, ये सॉरी ये वाले, तो हम बहुत खुश हैं इन मेहमानों के साथ। हेलो, कैसे हैं आप? We missed you. तो मैं और नैना आ गए थे घर, और आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।